नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 18 न्यूज़ चैनल। इंद्रगढ़ के मौजा बरिया मऊ के मजरा सपाह की गलियों का हाल देखकर आप दंग रह जाएंगे। लोगों की माने तो कई बार डीएम एसडीएम अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी अभी तक गलियों का हाल ज्यों का त्यों। लोगों को फागुन के महीने में भी बरसात जैसे कीचड़ बहुत गंदे पानी में घुस कर जाना पड़ता है। वहीं छोटे छोटे स्कूली बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, रात दिन निकलना, वह भी मंगली भरा पानी और कीचड़, पूरी गली बज बज आ रही है। कई बार प्रधान से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, लोग परेशान। वहीं आज जय राम जय सिंह तिलक राम राधे श्याम अपनी भी सुनाते हुए दुखड़ा रोया और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए और कहा कि हमें गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और गाँव में गंदगी और गली में कीचड़ जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द गली का निर्माण नहीं कराया गया तो हम लोग एकत्र होकर तहसील स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सपा नाम राधे श्याम, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर इतना बड़ा पानी भरा हुआ है परियन से, कोई सुनवाई नहीं। डीएम को एप्लीकेशन दिया, प्रधान को दिया, सुब्रत पाठक को भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन इसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं। आने जाने में दिक्कत हो रही है, आने जाने बहुत दिक्कत है, सब परेशान है टोटल। यहाँ कीचड़ बहुत रहता है, पानी की कोई देखभाल नहीं की जाती, निकलने पड़ने में बहुत दिक्कत होती है। सफा तिलक राम, क्या समस्या है? सफा समस्या ये है कि हमारे यहाँ गली की पोजीशन खराब, तो नहीं बोले हम लोग चाला मजाक में परेशान है। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान तो ये कह रहे हैं अभी नहीं बनवाएंगे, टाइम नहीं मेरे पास, पैसा नहीं खाते हैं। कहीं शिकायत की गई? शिकायत करिए खूब ढंग से, पहले डीएम सबके पास। सफा का निवासी, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे यानी सड़क इतनी जर्जर हो पानी से, और 6 पंचवर्षीय योजना से उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो पैदल भी निकलना दुर्लभ कि अगर मौके पर इंक्वायरी की जाए तो उसमें बगुला मछलियां पकड़ती नजर भी समझ में आती।